डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन इन टायर, तो भाई साइकिल, भाई आप साइकिल चला रहे हो और चेन ये बंधी हुई है, पेडल मारे जा रहे हो, क्वेश्चन सिंपल है, दो टायर है, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन बता दो कहाँ है। अब मैंने लॉजिक लगाया, मैंने यहाँ पैडल मारा तो मेरा ये वाला पार्टिकल पीछे जा रहा था, बॉटम मोस्ट पार्टिकल पीछे जा रहा है, तो फ्रिक्शन कहाँ है? आगे। कौन सी? काइनेटिक, स्किड नहीं कर रही, रोलिंग है, स्टैटिक, काइनेटिक नहीं स्टैटिक, तो कहाँ एक करेगी? मान लो आगे। तो लोगों ने कहा हाँ ठीक है यार, पार्टिकल पीछे जा रहा है, फ्रिक्शन आगे, डन, सही। तो फिर किसी ने पूछा सर इसमें क्या है? मैंने कहा फ्रिक्शन पीछे। ओ ये कैसे हो गया यार? क्योंकि ये पार्टिकल भी तो किसी ने कहा सर पीछे जा रहा है ना, इसकी फ्रिक्शन तो आगे, लो या तो इसको भी आगे बोलो, या इसको पीछे बोलो, ऐसे मत कहो कि टायर दोनों रोल कर रहे हैं लेकिन एक में फ्रिक्शन आगे एक में फ्रिक्शन पीछे, ये तो मतलब बिल्कुल ही समझ के बाहर है ना? अजीब सी बात है ना, मेरे को भी ऐसा लगा था, मेरे को लगा शायद क्वेश्चन ही गलत होगा यार, पार्शियलिटी है ना, एक टायर दूसरा टायर सेम, ये तो है नहीं कि टायर पीछे आ रहा है, सेम चल रहा है, आगे चल रहा है, लेकिन फ्रिक्शन ऐसे है कैसे? सही है डायग्राम, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मिलेगा क्वेश्चन डीसी पांडे वालों को कि डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन बाइसाइकिल में कहाँ होती है। तो एक्सप्लेनेशन ये है, इसलिए ऐसे इमेजिन करो कि आपने जो पेडल मारा, जो पावर जनरेट कर रहे हो वो तो पीछे कर रहे हो, बात ही खत्म है, रोलिंग तो यहीं से स्टार्ट हो रही है, एक्सेलेरेशन तो यहीं करे स्टार्ट हो रही है, ये फिर ये क्या कर रहा है? ये तो हैंडल को टिका के बैठा हुआ है बस, इसे कुछ नहीं करना, मेरी तरफ से तो आप टायर हटा दो, हैंडल हवा में टिक सकता है, टिका लो और एक ही टायर पे बाइसाइकिल चला लो, तब भी चलती है। अच्छा चलो और एग्जाम्पल लो, आप एक गत्ते का डिब्बा लगा लो, मत लो टायर, गत्ते का डिब्बा लगा के हैंडल लगा लो और चलो साइकिल चलाओ, अभी भी चलेगी साइकिल, स्लो चलेगी, डिब्बा क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं, ना तो चेन लगी हुई है, ना तो आगे भागने में हेल्प कर रहा है, बस उस हैंडल को टिका के रखे हुए है, तो उसकी क्या हो रही है? स्लाइडिंग। डिब्बा क्या करेगा? स्लाइड। पीछे का टायर क्या करेगा? रोल। अब रोलिंग में तो सही हो गया एक्सप्लेनेशन, स्लाइडिंग में क्या होता है? बॉडी आगे चलती है, जब आगे चलने की पुश कर रहे हैं हम आगे की तरफ, तो फ्रिक्शन क्या करेगी? पीछे। अब डिब्बे की जगह सोचो टायर है, कोई भी बॉडी सोच लो, फ्रिक्शन पीछे होगी। अगला टायर का पर्पस सिर्फ स्लाइडिंग का है, इसका पर्पस पेडल से रोलिंग का है, इसलिए डायरेक्शन में फर्क है।